हेलो नमस्कार। सबसे पहले जो बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित परीक्षा में आप सब लोगों को सफलता मिली है, उसके लिए मैं सबसे पहले आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपको मेरे तरफ से और समूचे कैरियर वर्ल्ड की तरफ से आपको शुभकामनाएं। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा की सफलता के बाद हमारा सारा ध्यान केंद्रित हो जाता है मुख्य परीक्षा पर, और स्वाभाविक है, होना भी चाहिए। जैसा कि आप जानते होंगे कि मुख्य परीक्षा में विगत वर्षों में आपके पैटर्न में परिवर्तन आया है। चूंकि आज हम सब लोग यहां बीपीएससी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैकल्पिक विषय ऑप्शनल सब्जेक्ट LSW के बारे में हमसे जानने के लिए यहां आए हैं, स्वाभाविक है मैं उसी विषय पर आप लोगों से बातचीत करने आया हूं। सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि बीपीएससी में एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक विषय के रूप में हम LSW विषय यानी श्रम और समाज कल्याण विषय का ही चुनाव क्यों करें। आप जानते होंगे पिछले दो दशकों से, शायद उससे भी अधिक समय से, बीपीएससी और झारखंड लोक सेवा आयोग के मुख्य परीक्षाओं में एक बहुत ही लोकप्रिय और महत्वपूर्ण विषय के रूप में LSW यानी श्रम और समाज कल्याण विषय का विशेष महत्व रहा है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इस विषय को लेकर प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने वाले अधिकांश बच्चों का अंतिम चयन सुनिश्चित हो पाता है। मैं कहता हूं कि हमारे एक मित्र ने पिछले दिनों बताया था कि कुल 736 बच्चों का अंतिम रूप से चयन हुआ था, जिसमें 398 बच्चे, आप समझ सकते हैं, 398 बच्चे LSW विषय के थे। आप खुद समझ सकते हैं कि LSW विषय का कितना विशेष महत्व रहा है। और मैंने बताया था कि LSW विषय एक स्वाभाविक पसंद है बच्चों की, क्योंकि जो LSW विषय है वो मुख्य रूप से देखिएगा कि उसकी जो सबसे प्रमुख विशेषता, हम कहते हैं ना भाई कि अब जो आगामी मुख्य परीक्षा है उसमें आपका ध्यान सामान्य अध्ययन पर भी रहा होगा, और होना चाहिए, क्योंकि सामान्य अध्ययन का अब वेटेज, उसका महत्व जो है मुख्य परीक्षा में काफी बढ़ गया है। तो ऐसे में आपको एक ऐसे विषय का चयन करना चाहिए जो संक्षिप्त हो, यानी इसका सिलेबस काफी छोटा हो, जो सरल हो यानी बड़ी आसानी से आपके समझ में उतर जाए, और जो अंकदायी हो अर्थात मार्क्स फेचिंग सब्जेक्ट हो, यानी जिस विषय को लेकर आप अधिक से अधिक अंक अर्जित कर सकें। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, और यह बताने में मुझे गर्व भी होता है, कि ये सारी विशेषताएं LSW विषय में समाहित है। क्या बताया मैंने आपको कि LSW विषय जो है वो आप देखेंगे तो सबसे पहली बात, वो अत्यंत सरल विषय है। सरल मतलब बड़ा बोधगम्य है, यानी बड़ी आसानी से आपके समझ में ये विषय समाहित हो जाता है। दूसरी बात, ये अत्यंत संक्षिप्त है, यानी इसका सिलेबस बहुत छोटा है, दूसरे विषयों की तुलना में तो शायद ये एक तिहाई या उसके आसपास ठहरता है। साथ ही साथ ये विषय अंकदायी भी है, सामान्य से सामान्य तैयारी में आप 260-265 अंक ले आते हैं, और अगर थोड़ा विशेष ध्यान केंद्रित किया तो आप 285-290 नंबर आसानी से अर्जित कर लेते हैं। अब ये बात होती है कि भाई जो श्रम और समाज कल्याण विषय है, जिसके बारे में मैंने
इसके महत्व के बारे में, इसकी विशेषताओं के बारे में आपसे चर्चा तो किया, लेकिन आपके मन में एक जिज्ञासा हो रही होगी कि सर आखिर इस विषय में पढ़ना क्या है हमें। तो आप की सुविधा के लिए मैंने पहले से ही यह लिख रखा है ताकि आपको समझाने में बड़ी आसानी हो। आप जानते होंगे या जो बच्चे नहीं जानते हैं मैं उनको व्यवस्थित रूप से बता दूं कि पिछले वर्षों से अब वैकल्पिक विषय के रूप में जो भी विषय चयन करना होगा, पहले आप देखते होंगे कि किसी दो विषय का चयन करना पड़ता था, अब आपको केवल एक ही वैकल्पिक विषय का चयन करना होता है। और जहां तक बात श्रम और समाज कल्याण की है यानी LSW की है, तो आप देखिएगा कि LSW विषय को भी अब प्रथम पत्र और द्वितीय पत्र की जगह पर अब एक पत्र में समाहित कर दिया गया है। हालांकि जो पुराना सिलेबस था पेपर वन और पेपर टू, उनमें जो भी विषय वस्तु पढ़ना था उनमें कुछ भी हटाया नहीं गया, वो सारी की सारी चीजें पूर्ववत ही है, लेकिन उनको दो से अब एक पत्र में ही समाहित कर दिया गया है। स्वाभाविक है कि अब एक पत्र में ही उन सारी चीजों का आपको अध्ययन कर लेना है। जो नया सिलेबस फ्रेम किया गया है उसमें आप देखिएगा कि पूरे सिलेबस को प्रथम खंड और द्वितीय खंड में बांट दिया गया है, और आपसे अपेक्षा किया जाता है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, कि आपसे अपेक्षा किया जाता है कि प्रत्येक खंड से तीन तीन प्रश्नों का आप उत्तर अनिवार्य रूप से दें। यानी कुल मिलाकर के आपको प्रथम खंड से तीन प्रश्न और द्वितीय खंड से तीन प्रश्न, यानी कुल मिलाकर के छह प्रश्नों का आपको उत्तर देना होगा। रही बात कि प्रत्येक प्रश्न कितने अंकों का होगा, तो याद रखिएगा कि प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 50 अंकों का होगा, और चूंकि तीन प्रश्न प्रथम खंड से और तीन प्रश्न द्वितीय खंड से करना है, इसलिए आप क्या देखिएगा कि कुल छह प्रश्नों का आपको उत्तर करना होगा। यानी श्रम और समाज कल्याण विषय में कुल जो प्रथम खंड और द्वितीय खंड है वो 300 अंकों का है। प्रश्न की प्रकृति पुराने पैटर्न पर है, उसमें कोई फेरबदल नहीं किया गया है। आइए मैं सिलेबस के साथ साथ पूरे विषय वस्तु को आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं, और पूरा प्रयास करूंगा कि इस थोड़े से समय के कार्यशाला में आपको LSW विषय से संबंधित सारी चीजें स्पष्ट कर दी जाएं, ताकि जब आप इस विषय का चयन करके इसको जब पढ़ना शुरू करते हैं तो कोई किंतु परंतु आपके दिमाग में ना रहे। देखिएगा कि पूरे सिलेबस को जैसा मैंने पहले बताया दो खंडों में विभाजित कर दिया गया है, प्रथम खंड और द्वितीय खंड। जो प्रथम खंड है उसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है भारत में श्रम विधान के सिद्धांत, यानी भारत में श्रम विधानों का निर्माण क्यों किया गया, इसके पीछे कौन कौन से सिद्धांत उत्तरदायी हैं, इन सबका अध्ययन आपको इसमें कर लेना है। दूसरा विषय जो बिंदु है वह है भारत में श्रम विधान का संक्षिप्त इतिहास। जैसे आप जानते हैं कि भारत में औद्योगीकरण की जो प्रक्रिया है वो लगभग 19वीं शताब्दी में शुरू हुई। आप सब जानते हैं कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई, और ब्रिटेन में जब औद्योगिक क्रांति हुई तो कुछ समय के पश्चात उसका प्रचार प्रसार भारत में भी हुआ, यानी भारत में भी औद्योगिकरण का प्रचार प्रसार हुआ। स्वाभाविक है कि औद्योगिक इकाइयों में काम करने के लिए मजदूर ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन करके शहरी क्षेत्रों में जाने लगे, और उनको वहां रोजगार भी मिलने लगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि प्रत्येक कारखाने का मालिक अधिक से अधिक लाभ कमाने की चेष्टा से
वो मजदूरों के साथ मनमाना व्यवहार करने लगा। सरल शब्दों में कहिएगा तो लगभग लगभग सभी नियोजक मजदूरों का शोषण और उत्पीड़न करने लगे। इसके लिए मजदूरों को इस शोषण और उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करने के लिए श्रम कानून भी बनाए गए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो भारत में शुरुआती दिनों में श्रम कानून बना है वो तो औपनिवेशिक काल में बना, यानी अंग्रेजी शासन काल में बना। स्वाभाविक है कि उस काल में जो श्रम कानून बनाया गया, आपको मैं बताऊंगा जब विस्तार से बारी बारी से पढ़ाऊंगा, तो उस समय जो श्रम कानून बनाया गया वो मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए नहीं बल्कि मालिकों के हितों की रक्षा के संदर्भ में वो बनाया, यानी उसका झुकाव मजदूरों के पक्ष में ना हो करके मालिकों के पक्ष में था। तो जब हम भारत में श्रम विधान का इतिहास पढ़ेंगे तो उसको तीन हिस्सों में बांट कर पढ़ते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं 1919 के पहले। अब 1919 को ही क्यों लिया गया, तो याद रखिएगा 1919 में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी आईएलओ का गठन किया गया। तो जो पहला श्रम कानून बनाया गया वो 1919 के पहले कुछ श्रम कानून बने। दूसरा 1919 से लेकर राष्ट्रीय स्वतंत्रता तक, यानी 1919 से लेकर 1947 के बीच भारत में कुछ श्रम कानून बने। तो वो जो श्रम कानून थे उसमें अधिकांश श्रम कानून का झुकाव मजदूरों की ओर होने लगा, क्योंकि अब आईएलओ यानी अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन इसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगा। लेकिन फिर जब देश को क्या राष्ट्रीय स्वतंत्रता मिली तो आजादी के बाद जो भारत में श्रम कानून बने वो श्रम कानून मजदूरों के हितों की रक्षा के संदर्भ में पारित किया गया, यानी अधिक से अधिक कल्याणकारी कानून उस समय पारित हुआ। तो ये सब हमको पढ़ लेना है किसमें, भारत में श्रम विधान का जो संक्षिप्त इतिहास है उसमें। इसके बाद देखिएगा अगला जो टॉपिक है भारतीय संविधान में श्रम संबंधी प्रावधान। आपको पता होगा राष्ट्रीय स्वतंत्रता के बाद जब भारत का संविधान बनने लगा तो चूंकि भारतीय समाज में किसान और मजदूर ये दो ऐसे वर्ग थे जिनका आजादी के बाद राष्ट्रीय निर्माण में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका आने वाली थी, और वैसे भी राष्ट्रीय आंदोलन में मजदूरों की भूमिका भी बड़ी महत्वपूर्ण रही थी, अतः संविधान निर्माताओं ने इन मजदूरों के हितों को संरक्षा प्रदान करते हुए उनके हित में भी कई उपबंधों को संविधान के अलग अलग हिस्सों में समाहित किया। जैसे देखिएगा प्रस्तावना में श्रम संबंधी प्रावधान, संविधान के मौलिक अधिकार में श्रम संबंधी प्रावधान, उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में श्रम संबंधी प्रावधान। तो भारतीय संविधान में भी मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए कई प्रावधान शामिल किए गए हैं, इन्हीं का अध्ययन कर लेना है आपको इस बिंदु के अंतर्गत। इसके बाद आप देखिएगा लगभग लगभग 11 मजदूरों की अलग अलग समस्याओं से संबंधित कुल 11 श्रम कानून पारित किए गए, जिसमें कुछ स्वतंत्रता के पूर्व भी पारित किए गए लेकिन अधिकांश स्वतंत्रता के उपरांत। तो मैंने क्या किया है आपके सिलेबस में से चुन चुन करके उसको सीक्वेंस में, है तो पूरा का पूरा ही लेकिन मैंने उसको सीक्वेंस में लिख दिया है कालक्रम के हिसाब से। देखिएगा इस संबंध में जो पहला कानून पारित किया गया इसको कहा जाता है कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923। याद रखिएगा कुछ किताबों में इसका पुराना नाम है, यह कानून पहले कहलाता था कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट 1923 कहलाता था, किंतु बाद में इसका नाम परिवर्तित करके संशोधित करके कर दिया गया है कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923। इसमें देखिएगा कि मजदूरों को काम करने के दौरान जब कोई दुर्घटना घटती थी और उस दुर्घटना के कारण जब मजदूर विकलांग हो जाते थे
या दुर्घटना के कारण लगी चोट के कारण उनकी मृत्यु हो जाती थी, तो ऐसी किसी भी परिस्थिति में मालिक उनको कोई क्षतिपूर्ति या मुआवजा नहीं देता था। किंतु इस कानून में व्यवस्था किया गया कि काम करते हुए काम के घंटों के दौरान अगर मालिक के द्वारा दिए गए काम को करने के चलते कोई दुर्घटना हुई है और उस दुर्घटना के कारण कोई अशक्तता यानी डिसेबिलिटी या फिर श्रमिक की मृत्यु हो गई है, तो ऐसी स्थिति में श्रमिक और उसके परिवार को क्षतिपूर्ति देने का दायित्व कारखाना के मालिक का होगा। दूसरा कानून है मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936। देखिएगा, इस कानून के पारित होने से पहले हमारे देश में मजदूरों को निर्धारित समय सीमा के अंदर वेतन नहीं मिलता था, वैध मुद्रा में भी मजदूरी नहीं मिल पाती थी, और तो और उनके वेतन से कई प्रकार की अनाधिकृत कटौतियां अनऑथराइज्ड डिडक्शंस हो गए करते थे। फलस्वरूप परिणाम क्या निकला? मजदूरों में लगातार असंतोष गहराता जा रहा था। और तब इसी संबंध में आप इतिहास में पढ़े होंगे रॉयल कमीशन ऑन लेबर, पढ़ा है ना? तो रॉयल कमीशन ऑन लेबर यानी शाही श्रम आयोग का गठन किया गया इन्हीं बातों की जांच के लिए, श्रमिकों के इसी असंतोष की जांच के लिए। और शाही श्रम आयोग ने अपनी सिफारिश में इस बात को स्वीकार किया कि हां, भारत में मजदूरों के साथ मजदूरी संबंधी कई प्रकार के अनाचार हुआ करते हैं। और तब शाही श्रम आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए यह कानून पारित किया गया, जिसको हम कहते हैं मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936। इसके बाद देखिएगा 1948 में आप देखेंगे एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन कानून पारित किए गए। इसमें सबसे पहला है कारखाना अधिनियम, जिसको भारत में श्रम कानूनों की जननी कहा गया है। ये जो कारखाना अधिनियम है वो भारत में अब तक जितने भी श्रम कानून पारित किए गए हैं उनमें सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत कानून है। और श्रमिकों की अधिकाधिक समस्याओं से संबंधित प्रावधान कारखाना अधिनियम में शामिल किया गया है। तो कारखाना अधिनियम में देखिएगा मजदूरों के स्वास्थ्य संबंधी प्रावधान, सुरक्षा संबंधी प्रावधान, कल्याण संबंधी प्रावधान, काम के घंटों से संबंधित प्रावधान, साप्ताहिक अवकाश से संबंधित प्रावधान, सवेतन वार्षिक छुट्टी से संबंधित प्रावधान इत्यादि इत्यादि सभी चीजों का या सभी चीजों को समाहित किया गया। इसके बाद देखेंगे अगला जो कानून है वो है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। देखिएगा इस कानून के पारित होने से पहले हमारे देश के मजदूरों को इतना वेतन भी नहीं मिल पाता था जिससे वो अपने और अपने परिवार का सम्मानजनक भरण पोषण कर पाए। फलस्वरूप मजदूरों में असंतोष था। लेकिन देखते हैं कि आजादी के तुरंत बाद देश के नीतिकारों ने, राष्ट्रीय नेताओं ने मिलकर के इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण प्रयास किया और उनके प्रयासों का ही परिणाम था कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 पारित किया गया। यानी इस कानून के पारित हो जाने के बाद अब सभी कारखानों या उद्योगों या अन्य नियोजनों से जुड़े मालिकों का यह दायित्व हो गया है कि वो अपने यहां काम करने वाले मजदूरों को मजदूरी की न्यूनतम मात्रा का भुगतान अनिवार्य रूप से करें। तो ये न्यूनतम मजदूरी का कौन तय करता है? जब हम ये अधिनियम पढ़ेंगे तो बताएंगे कि न्यूनतम मजदूरी को तय करने की दो विधि है। एक है समिति विधि, कमिटी मेथड, और दूसरा है, कोई बता सकते हैं दूसरा विधि कौन सा है? कोई भी दूसरा है अधिसूचना विधि। पहला क्या बताया? समिति विधि, और दूसरा अधिसूचना विधि। तो ध्यान दीजिएगा इन दोनों विधियों के द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले जो अकुशल मजदूर, अर्ध कुशल मजदूर या जो कुशल मजदूर हैं
उनके लिए अलग अलग मजदूरी की दरें तय की जाती है। आइए इसके बाद पढ़ लेते हैं जो 1948 में पारित किया गया कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम। तो जो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम है वास्तव में यह एक सामाजिक सुरक्षा विधान है और बहुत विस्तृत विधान है। आप देखेंगे एलएसडब्ल्यू के सिलेबस में जो आपको कुल प्रथम खंड में 11 एक्ट यानी अधिनियम पढ़ने हैं उसमें यह अकेला ऐसा अधिनियम है जिसके अंतर्गत लाभ पाने के लिए मजदूरों को भी अपने वेतन से थोड़ा अंशदान देना पड़ता है। क्लियर है? मजदूरों को भी अपने वेतन से थोड़ा अंशदान देना होता है, सरकार भी उसमें अंशदान देती है और उन दोनों के उभय प्रयासों से जो कोष गठित होता है उसी विशाल कोष से मजदूरों के जीवन में उभरने वाली है ना विभिन्न समस्याओं के विरुद्ध अलग अलग समय पर अलग अलग तरह की सुविधाएं यानी हित लाभ प्रदान किए जाते हैं। जैसे देखेंगे कि इस अधिनियम के तहत मजदूरों को एक साथ एक नहीं दो नहीं बल्कि कई कई लाभ दिए जाते हैं। जैसे देखेंगे बीमारी हित लाभ, चिकित्सा हित लाभ, अशक्तता हित लाभ, अगर मजदूर की मृत्यु हो गई तो उसके परिवार के लोगों को आश्रित हित लाभ, फिर प्रसूति हित लाभ, फिर बेरोजगारी हित लाभ। इनके बारे में विस्तार से जब हम पढ़ेंगे तब आप चर्चा करेंगे आपसे। इसके बाद देखिएगा सिलेबस में है बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम यानी बिहार शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। यानी जितने भी दुकान या प्रतिष्ठान निबंधित हैं उनमें काम करने वाले जो मजदूर हैं जो मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के मजदूर कहलाते हैं उनके हितों की रक्षा के लिए भी कानून बनाया गया। यानी दुकान और प्रतिष्ठान में काम करने वाले मजदूरों को भी इस कानून के तहत पर्याप्त संरक्षण देने का प्रयास किया गया है, जिसमें आप देखेंगे 2007 में संशोधन भी किया गया बड़े पैमाने पर। इसके बाद आइए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण और लोकप्रिय कानून है प्रसूति हित लाभ अधिनियम। दरअसल देखिएगा हमारे देश में पुरुषों के साथ साथ अब महिलाएं भी विभिन्न उद्योगों कल कारखानों और नियोजनों में काम करने के लिए नियोजित होने लगी। इस दौरान विवाह के बाद महिलाएं गर्भवती भी होती हैं। लेकिन देखिएगा यह एक ऐसा केंद्रीय कानून है जिसके पारित होने से पहले हमारे देश में महिलाओं को खास करके जो कार्यरत महिला है कार्यशील महिला है वर्किंग लेडी है उनको प्रसवावस्था के दौरान किसी प्रकार का कोई सुविधा नहीं दिया जाता था। प्रांतीय स्तर पर कुछ कानून थे लेकिन केंद्रीय कानून नहीं था। फलस्वरूप महिलाओं में असंतोष उभरने लगा और जानते हैं कि भारत जब आजाद हुआ तो आजादी के बाद भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में हमने स्वीकार किया है और अपने इसी लक्ष्य को पूरा करने के क्रम में भारत सरकार ने प्रसूति हित लाभ अधिनियम 1961 पारित कर दिया। यानी अब इस कानून के पारित हो जाने के बाद हमारे देश में जो कार्यशील महिला श्रमिक हैं चाहे वो सार्वजनिक क्षेत्र में काम कर रही हो चाहे निजी क्षेत्र में इन सभी महिलाओं को उनके प्रसवावस्था के दौरान सवेतन अवकाश यानी वेतन के साथ अवकाश देने का प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ और कई प्रकार के सुविधाएं दी गई जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे आपसे। इसके बाद देखेंगे बीड़ी एवं सिगार कर्मकार संरक्षा अधिनियम 1966 में पारित किया गया। आप देखेंगे बिहार के विभिन्न जिलों में बीड़ी और सिगार के निर्माण में बड़े संख्या में मजदूर लगे हुए हैं। चूंकि ये मजदूर भी असंगठित मजदूर की श्रेणी में आते हैं अधिकांशतः, अतः सरकार ने इनके हितों की रक्षा के लिए भी कई कानून पर कई प्रावधान शामिल किए हैं इस कानून में।
इसके बाद देखेंगे उपादान संदाय अधिनियम 1972। उपादान किसको कहते हैं? अंग्रेजी में इसको कहते हैं पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। उपादान का मतलब क्या हो गया? ग्रेच्युटी। और संदाय का मतलब क्या हो गया? पेमेंट, भुगतान करना। देखिएगा कि दरअसल उपादान क्या है, इसको समझ लीजिए तो आपको चीजों को समझने में आसानी होगी। कि किसी भी मजदूर को, ध्यान सुनिएगा, किसी भी मजदूर को उसके लंबे और निष्ठापूर्ण सेवा के बदले, लंबे और निष्ठापूर्ण सेवा के बदले सेवानिवृत्ति के अवसर पर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट नियोजक के द्वारा, मालिक के द्वारा जो भी नकद या उपहार का भुगतान किया जाता था उपादान कहलाता है। पहले हमारे देश में सभी नियोजक इस परंपरा का निर्वाह नहीं करते थे, और करते भी थे तो उनके द्वारा दी जाने वाली राशि में अंतर होता था। फलस्वरूप मजदूरों में असंतोष उभरने लगा। अतः केंद्र सरकार ने इस संबंध में एक केंद्रीय कानून पारित किया कि किसी भी मजदूर को जिसने अपने उद्योग में या कल कारखाने में लंबी और निष्ठापूर्ण सेवा प्रदान की हो उन्हें सेवानिवृत्ति के अवसर पर उपादान का भुगतान अनिवार्य रूप से किया जाएगा, और भुगतान करने का दायित्व नियोजकों का यानी मालिक का होगा। इसके बाद आप देखेंगे समान पारिश्रमिक अधिनियम। आप जानते होंगे हमारे देश में प्राचीन काल से ही लैंगिक भेदभाव रहा है, यानी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन रहा है, और लगभग लगभग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिला और पुरुषों के बीच भेदभाव है। ये भेदभाव आगे बढ़ते हुए आधुनिक समाज में, खास करके आधुनिक औद्योगिक समाज में भी विद्यमान है कि एक ही समान पद पर या समकक्ष पद पर काम करने के बावजूद महिला और पुरुषों को दिए जाने वाले वेतन के राशि में अंतर होता है। जो क्या है, अगर आप देखेंगे तो भारतीय संविधान में यह सीधे सीधे नागरिक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। पढ़े होंगे ना किस अनुच्छेद में है भारतीय संविधान के, है ना, मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 15 के तहत ये बातें कही गई हैं। दूसरी बात, ये मानवता के भी खिलाफ कि एक समान और समकक्ष काम करने के बावजूद पुरुषों को अधिक और महिलाओं को कम वेतन मिल रहा है। फलस्वरूप आप देखिएगा कि भारत सरकार ने इस संबंध में केंद्रीय कानून पारित किया। इस कानून के पारित हो जाने के बाद अब किसी भी उद्योग या कल कारखाने में समान और समकक्ष काम करने के बाद महिला या पुरुषों को एक समान वेतन देना अब अनिवार्य हो गया। और अब देखिएगा जो प्रथम खंड का अंतिम अधिनियम है, जो लास्ट एक्ट है, वो है बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम, यानी चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट। तो आप देखिएगा कि जो बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम है ये क्या है। आप जानते होंगे बाल श्रम हमारे देश में एक गंभीर और अभिशप्त सामाजिक समस्या है। आप देखेंगे कि जो बाल श्रम है वो मुख्य रूप से औद्योगिक क्षेत्रों में, मुख्य रूप से औद्योगिक क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर व्याप्त है। ऐसा नहीं है कि बाल श्रम आज ही है। आप देखेंगे कि आप सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि भारत में बच्चों के श्रम शक्ति का, क्या कहेंगे, भारतीय समाज में बच्चों की श्रम शक्ति का उपयोग या सदुपयोग हमेशा से ही कृषि कार्यों या घरेलू व्यवसायों में होता आया है। लेकिन तब कभी भी अभिभावक अपने बच्चों के साथ कोई शोषण या उत्पीड़न नहीं करते थे, बल्कि अगर देखा जाए तो कृषि संबंधी कार्य या जो परंपरागत घरेलू पेशा है उसमें हाथ बटाते बटाते बच्चे उन कार्यों का प्रशिक्षण भी प्राप्त करते थे, लेकिन कभी भी उनके साथ शोषण या उत्पीड़न वाली कोई बात नहीं थी। लेकिन देखिएगा कि भारत में जैसे जैसे
औद्योगिकरण का प्रचार प्रसार हुआ, अधिकांश नियोजकों ने अपने यहां वयस्क मजदूरों की जगह पर बाल मजदूरों को ही नियुक्त करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको वेतन कम देना पड़ेगा। स्वाभाविक है कि जो वस्तु का निर्माण होगा उस पर लागत कम पड़ेगा, उनको लाभ ज्यादा होगा, और अधिक से अधिक लाभ कमाने की चेष्टा से उन्होंने क्या किया, बालकों का शोषण और उत्पीड़न शुरू कर दिया। याद रखिएगा कि बालकों को उद्योगों और कल कारखानों में उनके साथ होने वाले शोषण और उत्पीड़न से बचाने के लिए जो कारखाना अधिनियम है 1948 का, उसमें भी प्रावधान किया गया है। आप देखेंगे भारतीय संविधान में भी इसके लिए प्रावधान है, पढ़ा होगा आपने फंडामेंटल राइट भी। लेकिन देखिएगा जब उन सब प्रावधानों और उपबंधों के सहारे भारत में बाल श्रम पर नियंत्रण नहीं पाया जा सका, तो अंततः केंद्रीय सरकार ने इस संबंध में एक केंद्रीय कानून पारित किया 1986 में। लेकिन क्या इस कानून के पारित होने से भारत में बाल श्रम समाप्त हो गया या अभी भी जारी है, हम इस बारे में आगे आपसे चर्चा करेंगे। तो आप देखिए क्या कि एलएसडब्ल्यू के प्रथम खंड में, जो आपने देखा कुल 11 एक्ट है, इनको बेहतर ढंग से पूरा कर लेना होगा आपको, क्योंकि ये अंकदायी भी होते हैं और इसको पढ़कर समझना भी बड़ा आसान होता है। अब देखिएगा प्रथम खंड में ही आगे अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसकी चर्चा मैंने पहले की थी कि 1919 ईस्वी में ILO यानी अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का गठन किया गया था। तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का गठन कब किया गया, कैसे किया गया, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का प्रशासन कैसे संचालित होता है, उसकी क्या भूमिका रहती है, कैसे वो सदस्य देशों को श्रमिकों के हितों में कानून बनाने के लिए प्रेरित करता है, इन सब का हमको अध्ययन कर लेना है। और फाइनली आप देखिएगा कि बिहार में श्रम प्रशासन का क्रियान्वयन यानी इंप्लीमेंटेशन ऑफ लेबर एडमिनिस्ट्रेशन इन बिहार, इसको पढ़ लेना है। यानी जो भी श्रम कानून पारित किया जाता है, आखिर इन श्रम कानूनों को मजदूरों तक या उनके हितों की रक्षा के लिए कैसे लागू किया जाता है, कैसे क्रियान्वित किया जाता है, कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, उसके लिए प्रशासनिक ढांचा कैसा है, इन सब का अध्ययन कर लेना है इसमें हमको बिहार में श्रम प्रशासन के क्रियान्वयन। तो ये हुआ LSW से संबंधित प्रथम खंड के बारे में जानकारी। मुझे विश्वास है कि आपको इससे लाभ पहुंचा होगा, और जब हम विस्तार से अगली कक्षा में इसका अध्ययन करेंगे तो बारी बारी से इसके बारे में हम आपको बताएंगे, और न सिर्फ बताएंगे बल्कि इससे संबंधित प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर हम सीधे आपको लिखवाएंगे। ऐसे आप अगर मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको सफलता नहीं मिलेगी, पक्का ना। तो हम ऐसा करते हैं थोड़ा देर ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद हम बताएंगे आपको कि द्वितीय खंड यानी सेकंड पेपर है ना की तैयारी कैसे करें। आइए चलिए पानी पी लिया आप लोग, हम लोग शुरू करते हैं। बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, खड़े हैं। अब जिनको सीट नहीं मिली है आज भर टॉयलेट कर लीजिए, भीड़ इतनी है, कल से हम व्यवस्था कर लेंगे। बैठ जाइए, बैठ जाइए, शांति से सुनिए। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि LSW के द्वितीय खंड के बारे में जो मैं आपको बताने जा रहा हूं बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा और उसको कार्य रूप दीजिएगा तो निश्चित सफलता मिलेगी। देखिएगा कि जैसा मैंने पहले बताया था कि खंड क और खंड ख से कुल 3-3 यानी 6 प्रश्नों का उत्तर करना है। मेरा निवेदन होगा आपसे कि खंड ख के अंतर्गत या द्वितीय खंड के अंतर्गत जब आप विभिन्न बिंदुओं पर ध्यान देंगे और एग्जाम में आंसर लिखेंगे तो आप इस हिस्से से
दो प्रश्न करने का प्रयास कीजिएगा। इस हिस्से से आप दो प्रश्न करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए आमतौर पर बच्चे कहते हैं सेकंड पेपर में नंबर नहीं मिला। नंबर कैसे मिलेगा? वो गरीबी, बेरोजगारी, महिला कल्याण और वेश्यावृत्ति जैसे बिंदुओं पर लिख लेते हैं, क्योंकि उसको पढ़ना समझना आसान होता है, तो दो क्वेश्चन इसी से कर दिए। स्वाभाविक है कि उस पर जनरल मार्किंग हो जाती है। ये जो हिस्सा है, जो औद्योगिक संबंध का हिस्सा है, वो हिस्सा बड़ा महत्वपूर्ण भी है और बड़ा आसान भी है। केवल आप इसको बेहतर ढंग से समझ लीजिए और इससे संबंधित तथ्यों को पूछे गए प्रश्न के अनुकूल सजा कर लिख दीजिए, आपको पर्याप्त नंबर मिलता है। तो द्वितीय पत्र में अंक, मैंने दूसरे जो खंड में अंक प्राप्त करने का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण कह सकते हैं कि आपको इस खंड से दो प्रश्न कर लेने चाहिए और फिर शेष इस खंड से एक प्रश्न, आप चाहें तो तीनों का तीनों जो है आप इसी से कर लें। हमें तो अंक उठाना है। तो आइए देखिए, इस संबंध में जो पहला टॉपिक है वो है औद्योगिक संबंध। देखिएगा, किसी भी उद्योग या कल कारखाने में जो काम करने वाले मजदूर होते हैं उनका अपने नियोजकों के साथ जो संबंध होता है वही औद्योगिक संबंध कहलाता है। आप इसको दूसरे शब्दों में समझिए, जिस तरह से घर के अंदर परिवार के विभिन्न सदस्यों के बीच का जो आपसी संबंध होता है वो पारिवारिक संबंध कहलाता है, उसी प्रकार कारखाने के अंदर मालिक और मजदूर के बीच का जो संबंध है वो औद्योगिक संबंध कहलाता है। और ये बताने की जरूरत नहीं है कि मालिक और मजदूर के बीच का ये संबंध जितना प्रगाढ़ होगा, जितना बेहतर होगा, जितना सकारात्मक होगा, वो उद्योग सफलता की ऊंचाई को छुएगा। क्योंकि जिस उद्योग या कल कारखाने में मालिक और मजदूर के बीच का संबंध बेहतर है, वहां एक और मजदूर मन लगाकर पूरी निष्ठा के साथ काम करेंगे, काम के घंटों की बर्बादी नहीं करेंगे, कच्चे माल की बर्बादी नहीं करेंगे, स्वाभाविक है उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। दूसरी ओर मालिक भी अपने मजदूरों के काम के घंटों का, वेतन का, साप्ताहिक छुट्टी का और अन्य दूसरी सुविधाओं का पूरा पूरा ख्याल रखेंगे। तो ऐसे में क्या होगा कि जब उद्योग जगत के दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ सहयोगात्मक भूमिका निभाएंगे, अच्छे संबंध निभाएंगे, तो वहां एक शांतिपूर्ण और सौहार्द का माहौल होगा। और जब कारखानों में ऐसी परिस्थितियां उभरती हैं तो वह कारखाना दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता है। लेकिन जो मैंने बताया, आदर्श परिस्थितियां प्रत्येक उद्योग में नहीं हो पाती। कई उद्योगों में मालिक और मजदूर के बीच विभिन्न मुद्दों पर मतभेद पनपते हैं और बाद में यही मतभेद बड़ा होकर के विवाद का रूप धारण कर लेता है, जिसको हम औद्योगिक विवाद यानी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कहते हैं। और आप जानते हैं कि जब औद्योगिक विवाद उभरता है तो मजदूर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करता है, काले बिल्ले लगा करके काम करता है। जब उससे भी बात नहीं बनती तो फिर हड़ताल प्रोत्साहित हो जाता है। मालिक भी अपनी बात, अपनी शर्तों को मनवाने का प्रयास करता है और जब मजदूर उनकी बात नहीं मानते तो तालाबंदी करने पर उतारू हो जाता है। लेकिन जब औद्योगिक विवाद उभरता है और उसके सुलह का प्रयास होता है तो उसके प्रयास के लिए कई तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण और शानदार तरीका है सामूहिक सौदेबाजी, कलेक्टिव बार्गेनिंग। बहुत आनंद आएगा, मैं विश्वास दिलाता हूं जब आप पढ़िएगा तो सामूहिक सौदेबाजी को या उसके बारे में पढ़कर तो बहुत आनंद की अनुभूति होगी आपको। तो वाकई एक नायाब तरीका है औद्योगिक विवाद को सुलझाने का। उसके बाद इसी औद्योगिक विवाद को सुलझाने के लिए भारत सरकार ने एक केंद्रीय कानून पारित कर दिया है, जिसमें कुछ ऐसे प्रावधान शामिल किए गए हैं जिसके द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से विवादों का निपटारा किया जा सकता है। इसके बाद हमें पढ़ लेना है भारत में श्रम संघ। श्रम संघ मतलब
किसी भी उद्योग या कल कारखाने में जो मजदूर काम करते हैं वो अपने हितों को क्या है ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे एकजुट होने लगते हैं और उनके इसी आपसी क्या संगठन से या संगठित होने की प्रक्रिया से श्रम संघों का निर्माण होता है। तो श्रम संघों का क्या महत्व है, उसकी क्या भूमिका होती है, श्रम संघों का विकास कैसे हुआ, श्रम संघों के विकास में कौन कौन सी बाधाएं आई, इन सब चीजों का अध्ययन कर लेना है हमको किसने भारत में श्रम संघ के विकास में। अब श्रम संघ के विकास को विनियमित करने के लिए इससे संबंधित भी एक केंद्रीय कानून है जो 1926 में पारित किया गया जिसको हम कहते हैं श्रम संघ अधिनियम 1926, जिसमें हमें यह बताया जाता है कि किन तरीकों से श्रम संघ का गठन हो सकता है, उसके लिए क्या क्या औपचारिकताएं हैं, उसके लिए क्या क्या अनिवार्यताएं हैं और क्या उससे संबंधित कौन कौन से प्रावधान है। इसके बाद आइए एक महत्वपूर्ण बिंदु है प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता। देखिएगा औद्योगिक प्रबंधन से जुड़ा एक बड़ा नवीनतम और शानदार व्यवस्था है प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता। आप सामान्य तौर पर देखते होंगे कि किसी भी उद्योग या कल कारखाने में मालिक अपने आप को कारखाने का सर्वे सर्वा मानता है, उसके दिमाग में यह बात चलती है जो कि पूंजी मैंने लगाया है, कारखाना मैंने स्थापित किया है, इसलिए कारखाने का स्वामी मैं हूं और अपने मजदूरों के साथ अधीनस्थ व्यवहार करता था। लेकिन देखिएगा कि आज आधुनिक प्रबंधन में अब इन चीजों के बिल्कुल विपरीत मजदूरों को कारखाने के प्रबंधन में शामिल किया जा रहा है, उनको भी सहभागी बनाया जा रहा है, उनसे भी राय मशविरा लिया जा रहा है और मालिक मजदूर मिलकर के उद्योग की सफलता सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता, है ना। तो सहभागिता के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं, किस किस तरीके से मजदूरों को और सहभागी बनाया जा सकता है, भारत में कौन सा तरीका सबसे लोकप्रिय है, इन सब काम का अध्ययन कर लेना है किसने प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता। इसके बाद है अनुशासन और आचार संहिता। देखिएगा दरअसल मालिक और मजदूर के बीच ये कोड ऑफ कंडक्ट के रूप में उभर कर सामने आया कि मालिक और मजदूर को अपनी अपनी सीमाओं में रहते हुए एक दूसरे का आदर सम्मान करते हुए अपने व्यवहार और अपने व्यवहार प्रतिमानों में कौन कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, इसका उल्लेख है इसमें अनुशासन और आचार संहिता में। उसके बाद आप देखेंगे कि जो समाज कल्याण और सामाजिक सुरक्षा का खंड है वो तो बहुत सरल सा है हिस्सा, उसमें कई ऐसे सामाजिक समस्याओं के बारे में है ना आपसे पूछा जाएगा जो विशेष करके औद्योगिक जगत में है ना, यानी औद्योगिक समाज में मूल रूप से श्रमिकों के बीच तैर रही समस्याओं का इसमें है ना उल्लेख किया गया है। जैसे देखिए सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी क्या है, हम आपको बताएंगे कि भाई किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो आकस्मिकताएं उभरती हैं, यानी व्यक्ति के जीवन में कई ऐसी आकस्मिकताएं उभरती है जिसके विरुद्ध व्यक्ति अनारक्षित रहता है, यानी अपनी समस्याओं का समाधान अपने या अपने परिवार या इष्ट मित्रों के सहयोग से नहीं कर पाता, तो ऐसी विषम परिस्थितियों में सरकार और समाज के द्वारा दी जाने वाली सहायता और सुरक्षा को हम कहते हैं सामाजिक सुरक्षा। तो भारत में सामाजिक सुरक्षा के कौन कौन से तरीके हैं, संगठित मजदूरों के लिए कौन कौन सा तरीका है, असंगठित मजदूरों के लिए कौन कौन सा तरीका है, इन सब का अध्ययन करेंगे हम इसमें सामाजिक सुरक्षा। इसके बाद आप देखेंगे बेरोजगारी, निर्धनता एवं गरीबी, बाल कल्याण, महिला कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। तो आमतौर पर देखिएगा कि ये जो समस्याएं हैं इसमें पढ़ने का तरीका ये होगा कि आखिर वो समस्या क्या है, उन समस्याओं के पीछे कौन कौन से उत्तरदायी कारण हैं, उन समस्याओं का व्यक्ति पर, समाज पर और राष्ट्र पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, अगर ये समस्या है तो इसके समाधान के लिए क्या कोई कानून बनाया गया है या संविधान में कोई उपबंध किया गया है या सरकार कोई प्रयास कर रही है, और इन समस्याओं के समाधान में आप क्या सुझाव देंगे, इस संदर्भ में देखिएगा ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है।
और अंत में देखिएगा कि बिहार सरकार के सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम केंद्र सरकार भी चलाती है, प्रांतीय सरकारें राज्य सरकारें भी चलाती है। तो इस संदर्भ में, इस टॉपिक में आपको यह बताना है कि वर्तमान समय में बिहार सरकार कौन कौन से सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है ना संचालित कर रही है और उसमें कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान की जा रही है। तो ये जो था आपका सिलेबस। अब कुछ बातें हम आपसे करना चाहते हैं कि जब देखिएगा आज के इस कार्यशाला के बाद जब कल से अनवरत रूप से कक्षाएं शुरू हो जाएंगी तो हम इनमें से एक एक टॉपिक को उठा करके उसके बारे में आपको समझाएंगे, जो मूलभूत बातें हैं उस पर हम उनसे चर्चा करेंगे और उन सब से संबंधित जो सबसे बड़ी बात है कि लेटेस्ट अमेंडमेंट यानी जो अद्यतन संशोधन हुआ है उससे संबंधित जो आंकड़े हैं उसके आधार पर हम चीजों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और सबसे बड़ी बात, आप लोगों की जिज्ञासा थी, आप क्लास के पहले भी पूछ रहे थे कैसे पढ़ाएंगे, तो हम लोग पढ़ाने के बाद प्रिंटेड स्टडी मटेरियल भी देंगे, क्लास नोट्स भी होगा और सबसे बड़ी बात हम बिंदु दर बिंदु जब पढ़ते जाएंगे प्रत्येक दो दो तीन तीन एक्ट को पढ़ाने के बाद उससे संबंधित हम लोग है ना क्लास टेस्ट भी अरेंज करेंगे और फाइनली टेस्ट सीरीज भी अरेंज करेंगे। यानी आपके समस्या का LSW से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समग्र समाधान यहां उपस्थित होगा। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग कल मिलते हैं। धन्यवाद।